नमस्कार। शुक्र का उदय 7 जुलाई को होगा, लेकिन कुछ भ्रांतियां लोगों में यह है कि 7 जुलाई को जब शुक्र का उदय होगा तो हम हमारे काम सब शुरू हो जाएंगे। शुक्र सुख का कारक है, शुक्र को सुख कह सकते हैं। देखिए, शुक्र अच्छा खान पान, सौंदर्य, अच्छे वस्त्र परिधान आभूषण, अच्छा वक्ता होने का, आध्यात्म की तरफ रुचि, परिव्राजक। सन्यासी जो होते हैं, शुक्र उनको सन्यास लेने के लिए प्रेरित भी करता है। अच्छा मक्खन, दूध, मलाई, बादाम, मेवे, पिस्ते, काजू, दही, दूध, सब कुछ वैभव। अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे कर्टन घर में, पर्दे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वैभव, सुख, सम्मान तथा वस्त्र आभूषण के साथ साथ हीरे मोती भी प्रदान करता है। लेकिन अब ये शुक्र उदय हुआ है तो किसका उदय हुआ? सुख का उदय हुआ। सुख छिपा हुआ था, अब सामने आ गया है तथा विवाह आदि कार्य भी शुक्र के उदय होने से अब आरंभ हो जाएंगे। अब शुभत्व प्रदान करने वाला शुक्र मंदिर और देवताओं की प्रतिष्ठा करने का समय आ चुका है। साथ ही साथ आपके मुंडन, यज्ञोपवीत, अच्छे जितने भी पर्व हैं वो मनाए जाते हैं। कुछ लोग शुक्र उदय होने के बाद ही तीर्थ यात्राएं करते हैं, कुछ लोग तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं। जब शुक्र अस्त हो जाता है तो धर्म, कर्म और वैभव एवं सांसारिक कई कार्यों में ब्रेक लगता है। कारण क्या है कि शुक्र जो है दैत्यों के राजा हैं, दो राजा हैं, गुरु और शुक्र। अब बात करेंगे, लोग ये ना समझें कि 7 तारीख को शुक्र उदय होगा। शुक्र का पूर्णतया प्रादुर्भाव और प्रभाव बालत्व, जो शुक्र का जो बाल्यत्व दोष होता है, मतलब बालत्व, जैसे ही शुक्र आया तो अस्त लंबे समय होने के बाद 10 तारीख को उसका एक्शन और प्रभाव होगा, ऐसे समझिए। अब 12 राशियों को किस प्रकार से उदय होने के बाद क्या इफेक्ट होंगे? देखिए, जो शुक्र का उदय है वो कर्क राशि में है और कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और इसी के साथ साथ ये जो स्थिति बनेगी, बृहस्पति की दृष्टि इस पर नहीं होगी, लेकिन जो वक्री शनि का जो 50% प्रभाव मकर पर रहेगा, इसीलिए इन दोनों की 180 अंश पर दृष्टि होगी। एक ग्रह दूसरे को देखेगा और ये एक बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। वैभव, संपदा, पैसा, मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा, जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा स्वर्ण, रत्न, आभूषण एवं सुख का कारक, दाम्पत्य जीवन का सुख एवं दूध, दही, घी, मक्खन, अच्छी वाणी, वैभव देने वाला होगा। कर्क राशि के लिए विशेष रूप से अच्छे परिणाम देगा, लेकिन हम यहां जो क्रम चलाएंगे इस क्रम को कैसे देखेंगे? हम मीन राशि से शुरू करते हैं। कारण क्या है, सभी लोग मेष को पहले मानते हैं, लेकिन मीन से शुरू करेंगे तो क्रम अच्छा सेट होगा और मीन राशि को यह पछतावा नहीं होगा कि मेरा नंबर तो लास्ट में आता है। लेकिन यहां हमारे YouTube मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर मीन राशि पहले गिनी जाती है। मीन राशि पर शुक्र उच्च राशि में माना जाता है, उसका उदय हुआ, पंचम भाव में है मीन के, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अच्छी गुण विद्याओं का रहस्य, मान सम्मान और
रोमांटिक स्वभाव के साथ साथ अच्छे गीत, कविता, शेर व शायरी गुनगुनाने का मन करता है। ऐसे मन में प्रसन्नता और उच्छृंखलता के भाव आते हैं। इसके बाद मीन के लिए शुभत्व प्रदान करने वाला होगा और उसी ड्यूरेशन में मीन राशि के 11th हाउस का फल देने वाला शनि उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी देगा। साथ ही साथ मीन के पंचम भाव में बैठे हुए शुक्र की लाभ स्थान पर दृष्टि होगी। दिस इज पॉजिटिव प्रिडिक्शन फॉर पाइसिस, मीन राशि के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाला होगा। कुंभ राशि पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं, उल्टे क्रम में कुंभ का छठे भाव में शुक्र होना तथा इनके भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य को भी उदय करेगा। शुक्र उदय हुआ तो कुंभ का भाग्य उदय हुआ, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उदय हुआ, ये सुख का कारक है। सुख में बहुत सारी स्टोरी हम नहीं सुनाना चाहते, जो सुख आपको चाहिए मनोवांछित मनोरथ पूर्ण करने वाला शुक्र आ गया आपके। अब ये कर्क राशि में आया छठे भाव में, रोग शत्रु बीमारी टेंशन कुछ नहीं देगा, आपके लिए शुभत्व प्रदान करेगा, क्योंकि आपके केंद्र में और अन्य ग्रहों को भी हम रेलेवेंट सब्जेक्ट मान करके चल रहे हैं। वहां पर क्या होगा, बृहस्पति का स्थान है वहां ट्रांजिट मोशन में, फिर एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे आपके लिए। मकर राशि के सप्तम भाव शुक्र सुख, दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ, दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर कैप्रिकॉर्न। अभी तक पंचम में गुरु भी है आपके और वक्री शनि का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, ये खराब नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव में मंगल सुखकारी है, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तथा बिजली से संबंधित समस्याएं और गाड़ी से वाहन से संबंधित समस्याएं माता के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये अलग प्रिडिक्शन है। लेकिन शुक्र का प्रभाव आपकी नौकरी व्यापार जायदाद प्रतिष्ठा मान सम्मान और पॉजिटिव रेस्पॉन्स रेस्पेक्ट पिता के लिए अच्छा शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि आपके 10th हाउस का लॉर्ड उदय हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव में गुरु आपको जो दोज स्टूडेंट्स एंड दोज पीपल आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन फॉर जॉब और फॉर एडमिशन फॉर देयर कैरियर, दे विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और शुक्र का उदय ही आपके भाग्य का उदय मानकर चल सकते हैं। अब आया धनु, धनु क्या कर रहे हैं, धनु के अष्टम भाव में शुक्र बैठ के धन स्थान को देखेगा, तो आपका भी शत्रुओं के द्वारा जो पीड़ा पहुंचाए जाने का खतरा था वो नहीं रहेगा। लेकिन आपके अच्छी सुंदर वाणी, लेकिन इनसिक्योरिटी आपकी बनी रहेगी, बिकॉज 4th and 10th हाउस में जो राहु की अभी स्थिति चल रही है, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम 18 जून 2025 तक। वृश्चिक राशि के लिए जब सप्तम भाव का स्वामी उदय हुआ तो आपका दाम्पत्य जीवन को सुखी कर रहा है, आपके भाग्य स्थान में शुक्र आया, केंद्र में बृहस्पति आया, क्या क्या शुभत्व नहीं देगा जो वृश्चिक राशि वाले पिछले 1.5 ईयर से, लास्ट ईयर 1.5 ईयर से टॉर्चर हो रहे थे, दे विल गेट रिलीफ। अगले 4.5 महीने बहुत शुभ संकेत आपके लिए हैं। लिब्रा का स्वामी तुला का स्वामी शुक्र उदय हुआ, तुला राशि का भाग्य उदय हुआ। मजे की बात यह कि 10th हाउस में शुक्र जब आता है लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी, ये आपको वैभव मान सम्मान इंक्रीमेंट नौकरी तरक्की जायदाद पैसा तथा
आपके सुख में वृद्धि करेगा, क्योंकि सुख स्थान फोर्थ हाउस को भी देख रहा है 180 डिग्री पर। अब आया कन्या, कन्या के लाभ स्थान इनकम हाउस पर शुक्र उदय हुआ और कन्या राशि के ये धन स्थान और भाग्य स्थान का स्वामी है। और बैठा देखिए कहां, ये ड्यूरिंग दिस पीरियड जितने दिन यहां रहेगा सुख और वैभव देगा, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस करने वाले ग्रह वो अपना अलग प्रभाव दे रहे हैं, उसको इससे मत जोड़ करके देखना। कुछ लोग पाप ग्रहों के दुख को ये सोचते हैं कि इसको भूल जाएं। हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं संभव है। जो कष्टकारक ग्रह वो कष्ट देने वाला, जो सुख दे रहा है वो सुख देगा। सुख का नाम सुख है क्योंकि वो सुख देता है, इसलिए उसको ज्यादा लोग याद रखते हैं। वास्तव में दुख को भी याद करना जरूरी है, उसी की वजह से आप अगली आने वाली समस्याओं से लड़ने में सक्षम होते हैं। सिंह राशि के लिए 10th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति आपके लिए शुभ होगा, लेकिन 12th हाउस में शुक्र का उदय होना, तो शुभ लक्षण क्या है शास्त्रों में, सभी जितने भी ज्योतिष शास्त्र हैं, बड़े से बड़े ग्रंथ 12वें भाव में कारक माना गया शुक्र, और यह आपके दशम भाव का स्वामी, नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा जायदाद। अब जितनी भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम नहीं रही है, आप देख रहे पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। हर परीक्षा MBBS की हो, नीट की, नेट की, और भी जो परीक्षाएं हैं सब स्थगित हो रही, क्योंकि एजुकेशन को भी दर्शाता है सभ्यता शिक्षा का बृहस्पति और शुक्र कारक है, बुध भी कारक है। ऐसी स्थिति में अब आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, साथ ही साथ अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी जिन जिन के बृहस्पति और शुक्र अच्छे हैं उनको सफलता भी मिलेगी। साथ ही कर्क राशि के लिए गुड अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि शुक्र का उदय ही कर्क राशि में हुआ है तथा इनका स्वामी यानी के कर्क से चतुर्थ भाव तुला राशि का स्वामी कर्क के साथ है, और आपके 11th हाउस में बैठे हुए शुक्र जो कि बहुत बलवान माने जाते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी भी कहलाते हैं, तो इनके लिए वरदान साबित होगा। और खास तौर से 15 नवंबर तक आपके ऐसे ऐसे काम बन जाएंगे जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। साथ ही मिथुन राशि के दूसरे भाव में कर्क राशि में धन कुटुंब वाणी मान सम्मान के साथ साथ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए शुक्र का उदय हुआ है, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और धन को वृद्धि करने के लिए आया है। लेकिन चतुर्थ भाव में 180 डिग्री कन्या पर केतु और मीन पर राहु आपको शांति से सुख से अभी बैठने नहीं देगा 18 जून 2025 तक। अब आइए वृषभ राशि, वृषभ का लॉर्ड शुक्र आपकी राशि का स्वामी उदय होने का मतलब है वृष राशि का भाग्य उदय हुआ। 11th हाउस में राहु आपको डबल इनकम, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी सब देगा, संतान की चिंता भी देगा और पंचम भाव में पेट का रोग भी देगा। साथ साथ आपके 12th हाउस में ट्रांजिट मोशन में चल रहे मंगल का 12 जुलाई तक अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड अनअपेक्षित खर्चे, जहां 1000 रुपए का खर्चा होना वहां 10000 होंगे। मैंने बताया जो 1000 रुपए का खर्चा है वहां जहां वहां 10000, अनितिपूर्ण खर्चे भी होंगे। मेष राशि के लिए चतुर्थ भाव सुख स्थान में सारे सुखों का भंडार देने वाले शुक्र सुख के कारक तथा आपके धन एवं दाम्पत्य जीवन हाउस के लॉर्ड जब आपके लिए शुभ फल देने के लिए आ रहे हैं तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। और साथ ही साथ वक्री शनि के भी पॉजिटिव इफेक्ट,
बृहस्पति के धन स्थान में पॉजिटिव इफेक्ट, सब कुछ पॉजिटिव होंगे, लेकिन ट्वेल्थ हाउस में चल रहे राहु की पैरों में दर्द, नेत्रों में पीड़ा तथा अशांति, चिंता तथा आपकी एनर्जी और मनी और टाइम, ये तीनों वेस्ट हो रहे हैं। आप अगर हिसाब लगाएंगे तो पता चलेगा मेरा समय ऐसे ही बीत गया। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।